पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने गांव बड़ौली में शराब के नशे में हुई मामूली कहासुनी को लेकर 50 वर्षीय किसान की डंडे और ईंटों से पीट पीट कर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। सुंदर सनो पत्थर सिंह बड़ौली गाँव का रहने वाला है। जंगल में इनके मकान बने हुए हैं, अपने मकान पर था तो दो व्यक्ति अपने सुमित सनो बिजेंदर और नरेश और बंटी सनो महावीर, ये दोनों को दोनों इसके पास शाम को इसके पास पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में इन्होंने गांजा पिया, फिर सुल्फा पिया। सुल्फा का नशा करने के बाद में सुंदर मृतक ने कहा कि शराब मंगा दो, क्योंकि इन्होंने फिर शराब मंगाई, वो पी ली, फिर दोबारा फिर इन्होंने कहा कि भाई और पिएंगे, फिर दोबारा फिर शराब मंगाई, तो नशे की हालत में इनका आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पे जो मृतक सुंदर है उसने उसको गाड़ी दी, तो उस गाड़ी देने के ऊपर इनका झगड़ा हो गया। उसके बाद इन दोनों ने सुंदर के सिर में पहले ईंट मारी, फिर वहाँ पर जो डंडा पड़ा हुआ था डंडा से उठा के मारा, फिर जब उसको देखा कि ये मरेगा अगर इसको जिंदा छोड़ा तो ये तुम्हारा नाम बता देगा, तो इसको खींच के अंदर कमरा के अंदर ले गए और फिर इन दोनों ने इसको डंडा से और ईंट से मार मार के इसको हत्या कर दी। कितने लोगों को हत्या का लगा था, कौन कौन की गिरफ्तारी हुई? अभी तो ये दो आरोपियों हमारे सामने आया है, दो ये बता रहे हैं कि हम दोनों मारा है और कोई नहीं है, बाकी इनको हमने कल गिरफ्तार किया है और आज इनको अदालत से पेश करके 2 दिन पुलिस रिमांड में लिया है। इस बारे में और गहनता से पूछताछ करेंगे, अगर किसी आरोपी की और समझता पाई तो उन्हें भी हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।